fuck off. And you fuck off. And you and you and you, you can all fuck off. Obsessing over all the wrong things. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहला अपडेट खराखट्टर की तूफान मूवी से रिलेटेड आया है, जिसमें अब ये मूवी हमें इसकी रिलीज डेट यानी मई 21 को नहीं देखने को मिलने वाली है। अब ये मूवी पोस्टपोन्ड हो चुकी है, न्यू डेट अभी सामने नहीं आई है। जैसे ही इसकी न्यू रिलीज डेट अमेजोन प्राइम वीडियो अनाउंस करता है, हम आपको तुरंत बता देंगे। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं हॉलीवुड मूवीज और वेब सीरीज रिगार्डिंग अपडेट की। तो डार्क सीरीज के क्रिएटर की आने वाली वेब सीरीज का अनाउंसमेंट हो चुका है। ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर आने वाली है। ये नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल ब्रिटिश सीरीज होने वाली है, जिसका ऑफिशियल टीजर भी आउट हो चुका है। इस सीरीज का टाइटल 1899 होने वाला है और ये सीरीज मिस्ट्री ड्रामा थ्रिलर सीरीज होने वाली है। नेक्स्ट अपडेट स्टार वॉर्स की सीरीज द बैड बैच से रिलेटेड। ये एक डिज्नी प्लस ओरिजिनल एनिमेटेड सीरीज है, तो हमें डिज्नी प्लस प्रीमियम पर देखने को मिलने वाली है, जिसके सीजन 1 में 16 एपिसोड होने वाले हैं। और इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड प्रीमियर आज ही यानी मई 4 को होने वाला है और सेकंड एपिसोड प्रीमियर मई 7 को होने वाला है। उसके बाद हर फ्राइडे इस सीरीज का न्यू एपिसोड हमें देखने को मिलने वाला है। इस सीरीज का न्यू और फिनाले ट्रेलर की लिंक भी आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पर चेकआउट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट अपडेट आई है मार्वल की इंटरनल मूवी से रिलेटेड, जो हमें यूएस में 5 दिसंबर से देखने को मिलने वाली है और इंडियन फैंस के लिए खुशी की बात होगी, क्योंकि हमें यह मूवी यूएस से 1 महीने पहले यानी नवंबर में ही देखने को मिलने वाली है। और ये मूवी मल्टीपल लैंग्वेज यानी हिंदी, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश लैंग्वेज में इंडिया में एक साथ देखने को मिलने वाली है। अभी इसकी नवंबर की न्यू रिलीज डेट सामने नहीं आई है, जैसे ही आएगी हम आपको तुरंत बता देंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपडेट है एप्पल टीवी प्लस की एमआर कोरमैन सीरीज से रिलेटेड, जिसके राइटर और डायरेक्टर जोसेफ गोर्डन लेविट है और सीरीज में हमें लीड रोल में भी वही देखने को मिलने वाले हैं, जिसका प्रीमियर एप्पल टीवी प्लस पर अगस्त 6 से होने वाला है, जिसका हमें शायद टीजर जल्दी ही एप्पल टीवी प्लस पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एप्पल टीवी प्लस पर हमें टोमेंस की आने वाली मूवी फिंच भी जल्दी ही देखने को मिलने वाली है, जो ग्रेहाउंड मूवी के बाद ये दूसरी मूवी होने वाली है जो हमें एप्पल टीवी प्लस पर देखने को मिलने वाली है। और ये मूवी हमें दिसंबर मंथ में प्रीमियर होते हुए देखने को मिल सकती है। और नेक्स्ट अपडेट है CW की स्टारगर्ल सीरीज से रिलेटेड, जिसको सीजन 3 के लिए रिन्यू कर दिया है और इसके साथ साथ ही CW ने कुंफू सीरीज को भी सीजन 2 के लिए रिन्यू कर दिया है। और इसके अलावा गोडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी अभी बुक माई शो पर बाय या फिर रेंट करके आप देख सकते हो। अभी ये मूवी मल्टीपल लैंग्वेज में स्ट्रीमिंग हो रही है। और फ्रेंड्स, नेटफ्लिक्स ने अपनी आने वाली न्यू मूवीज और सीरीज के ट्रेलर आउट कर दिए हैं, जिसमें आपको एरकेन, हेलस्टन और कार्नल के ट्रेलर देखने को मिलते हैं। इन सारे ट्रेलर की लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पर चेकआउट करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, मार्वल ने MCU के फेज 4 से रिलेटेड ह्यूज अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसके साथ साथ इसका ट्रेलर भी आउट कर दिया है, जिस पर हम अलग से वीडियो बनाने वाले है, तो स्टे ट्यून्ड। और आज की लास्ट और स्ट्रीमिंग रिलेटेड अपडेट की बात करें तो फेयर टाइम्स, जो 2017 में रिलीज हुई थी, ये एक हॉरर मिस्ट्री स्काईपाई थ्रिलर मूवी है, जिसको 5.2 IMDb रेटिंग मिली है। ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में स्ट्रीमिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक का था। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ हमारी इस चैनल को शेयर कीजिए और हमारे सोशल मीडिया हैंडल टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम की लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप हमें वहां पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।